अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू 512 चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असगर मेहदी साहब, जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ वाशिंगटन डीसी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं मेरा सवाल पहला ये है कि आप अपना तारुफ करें थोड़ा सा, कि आपने कब से खिताबत शुरू की और आप नॉर्थ अमेरिका में कब से खिताबत अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए, ताल्लुक़ तो हमारा हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर और बहुत ही मारूफ शहर है मुजफ्फरनगर, और इस हैसियत से भी मारूफ है कि इस इलाके को सादात बारह कहा जाता है। ज़ैदी सादात का वहाँ से ताल्लुक़ है, वहीं से हमारा ताल्लुक़ रहा। जहाँ तक जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, वो तो मेरे ख्याल से आगोश मादर से अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते चले आ रहे हैं। तालीम और तरबियत का सिलसिला, पहले इब्तदाई तालीम जो है वो अलीगढ़ से है, और उसके बाद जो है वो फिर वहाँ से लखनऊ चले गए, और लखनऊ का बहुत ही नामवर इदारा, बहुत बड़ा हौजा है सुल्तानुल मदारिस, उससे ताल्लुक़ रहा। उसके बाद फिर कुमल मुकद्दसा चले गए, और ये सिलसिला पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला तो आज तक जारी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे तकरीबन नॉर्थ अमेरिका में मजलिस से पढ़ते पढ़ते 18 से 19 बरस गुजर चुके हैं। माशाल्लाह, मुकीम मैं कनाडा में हूँ, लेकिन मुसलसल नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, तमाम जगह पर 18-19 साल से मुसलसल तबलीगी सिलसिला है जो कि आज तक जारी है सारी है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप नौजवानों के किरदार के हवाले से किस तरह देखते हैं, खासूसन मगरबी माशरे में, शुमाली अमरीका में, आपके ख्याल में नौजवानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? और देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास क्वेश्चन किया है आपने, चूँकि इसका ताल्लुक़ जो है वो नौजवानों से है, हमारी यूथ से है और हमारे बच्चों से हैं। और आई थिंक हमें इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये ज़माना भी वो है जो सोशल मीडिया का ज़माना है, और हमें सोशल मीडिया को वसीला बनाकर प्रोपोगेट करना चाहिए और नौजवानों को मुतवज्जे करना चाहिए। देखिए, हमें सिर्फ एक चीज़ को रियलाइज़ करना है यहाँ पर, कि हम जो यहाँ पर आए हैं, हमारे यहाँ पर आने के मकासद क्या हैं, हमारे गोल क्या है। हम यहाँ पर सिर्फ अच्छे एजुकेशन के लिए या अच्छे पैसे के लिए नहीं आए। अगर सिर्फ अच्छे एजुकेशन के लिए आए हैं और पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो मेटलिस्टिक हैं। बिल्कुल, अगर हम में से हर शख्स, हर नौजवान, बल्कि नौजवानों के साथ साथ अगर हमारे पेरेंट्स भी अगर ये रियलाइज कर लें कि असल में हम जो इस वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में निकल कर आए हैं, तो ये हमारा इंतखाब हुआ है, हमारा सिलेक्शन हुआ है, और हम सब के सब जो हैं वो आज़ादारी के सफ़ीर हैं। यहाँ पर हम आज़ादारी के एम्बेसडर हैं, बल्कि आप ये कहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एम्बेसडर हैं, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर हैं। तो हमारा हर अमल वो होना चाहिए, हर एक्शन वो होना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस्लाम को प्रोपेगेट कर सकें। आज नॉर्थ अमेरिका में आज़ादारी माशाल्लाह अपने क्लाइमैक्स पे हैं। आप जिस शहर में चले जाएँ, जिस इदारे में चले जाएं, नौजवान बहुत एक्टिव हैं, यहाँ पर यहाँ की यूथ बहुत एक्टिव है, यहाँ के बातमदार बहुत एक्टिव हैं। बस इस आज़ादारी को वसीला बनाकर, इस फर्श अज़ा को वसीला बनाकर, अगर हमारे मातमदार, अगर हमारी यूथ सिर्फ एक काम कर दे, और वो सबसे अहम काम है, तो मेरे ख्याल से हमारी जो तख्लीक का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा, और जो यहाँ पर आने का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा, कि हम इल्म को वसीला बना के, एजुकेशन को वसीला बना के, आज़ादारी को वसीला बनाकर पॉजिटिव वे में यहाँ के रहने वालों को सिर्फ ये बता दें कि मलूकियत वाला जो इस्लाम था वो दूसरा था, और विलायत वाला जो इस्लाम है वो दूसरा इस्लाम है। जी, अगर आप पॉजिटिव वे में एजुकेशन की ऐनक लगा के, तासुब की ऐनक को उतार के, और मोहब्बत के साथ में अगर आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस्लाम को यहाँ पे पेश कर दें, तो आप देखेंगे उस इंसान का ताल्लुक, चाहे किसी भी मकतब फिक्र से क्यों ना हो, किसी भी मजहब से क्यों ना हो, किसी भी मत से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों ना करता हो, वो सब के सब अहले बैत के करीब आके बैठ जाएंगे। तो हमारी कोशिश यह है कि हम मेरे ख्याल से बिल्कुल यही आंसर देंगे कि हम सब यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एम्बेसडर हैं, इमाम हुसैन के मिशन को पेश करें, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस्लाम को पेश करें, और दुनिया को बस ये मैसेज दे दें कि मलूकियत वाला इस्लाम दूसरा था, विलायत वाला इस्लाम दूसरा है। अच्छा मौलाना असगर मेहदी साहब, आप तरवीज आज़ादारी और उसके जो तहजीब आज़ादारी, जो हमारी सकाफत है खास खुसूसन बड़े सगीर पाक व हिंद की, उस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे शुमाली अमरीका में? और देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने, जिसका ताल्लुक जो है वो तहजीब आज़ादारी और सकाफती आज़ादारी से, और सकाफत से, और हमारे कल्चर से है।
देखिए, ये जो आज़ादारी है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे अकायद और हमारे फंडामेंटल्स की हिफाजत नहीं करती है, बल्कि आज़ादारी इस दौर में तहफ़्फ़ुज़ ज़बान भी कर रही है, इस ज़बान की भी हिफाजत करती है, और ये आज़ादारी हमारी तहजीब की भी हिफाजत कर रही है, और यही आज़ादारी सबसे बड़ा सोर्स और मंबा और वसीला और चैनल है हमारी सकाफत को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी है। देखिए, बड़ा अजीब सिलसिला हो गया है, हर इंसान ये कहता है कि हमें आज़ादारी को बचाना है, हमारा नज़रिया कुछ और है। बेसिकली हमें आज़ादारी को नहीं बचाना है, आज़ादारी के मुहाफिज तो ज़माने के इमाम पसे पर्दा बैठे हैं, आज़ादारी को तो बचा लेंगे। मैं आके आपसे कहूँ मुझे आज़ादारी को बचाना है, एक नोहे खान आके कहे कि उसे नोहे खानी को बचाना है, एक मरसिया खान आके कहे उसे मरसिया खानी को बचाना है, नहीं। मेरे ख्याल से नोहा मरसिया सौ सलाम मजलिस आज़ादारी को बचाने के लिए तो पसे पर्दा इमाम मौजूद हैं, वो वारिस हैं, वो बचा लेंगे। हमें जिस चीज़ को बचाना है वो आज़ादारी नहीं है, बचाना है तहजीब आज़ादारी को, बचाना है सकाफत आज़ादारी को। अगर आपका और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं, हमें सिर्फ आज़ादारी करनी है और आज़ादारी को उसकी तहजीब के साथ नहीं करना है, उसकी सकाफत के साथ नहीं करना है, तो आप मुझे बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जिसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो और वो आज़ादार नहीं है, वो आज़ादारी नहीं कर रहा है? क्या अहले सुन्नत आज़ादारी नहीं कर रहे हैं? क्रिश्चियन आज़ादारी नहीं कर रहे हैं? हिंदू आज़ादारी नहीं कर रहे हैं? सिख आज़ादारी नहीं कर रहे हैं? तो दुनिया का हर शरीफ इंसान आज़ादार है, हर इंसान आज़ादारी कर रहा है, इमाम हुसैन से तसव्वुफ़ की इज्जत रखते हैं, तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या है? आज़ादारी तो वो भी कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब आज़ादारी कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ नोयत से, या हुसैन सब कर रहे हैं, और या हुसैन आप भी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है भाई? यही फ़र्क है, वो सिर्फ आज़ादारी करते हैं, आप आज़ादारी को उसकी तहजीब के साथ करते हैं। तो बेसिकली आज़ादारी को नहीं, तहजीब आज़ादारी के साथ साथ आप तहजीब आज़ादारी और सकाफत आज़ादारी को बचा लीजिए। अगर आपने तहजीब को बचा लिया तो आज़ादारी खुद बच जाएगी। इसके लिए हमारे यहाँ पर मोहम्मदी सेंटर में वर्जीनिया में जो खमसे मजालिस चल रहा है, और रात हमारा वहाँ पर मैसेज था, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि उस मैसेज को नौजवानों ने महफूज किया हो। हमने कहा है कि देखिए, एक मनसब है, एक स्टेटस है, आप चले जाइए कि हर इंसान जो है, एक डॉक्टर है तो जब वो आता है हॉस्पिटल में तो अपनी ड्रेस जो पहन के आता है वो तो उसके ऊपर इफ्तखार करता है, प्राउड करता है। हम आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इस लिबास के ऊपर हमें प्राउड है, इफ्तखार है कि ये लिबास लिबास अहले बैत है। हमारे यहाँ पर देखिए नौहे खानी है, नौहे खान एक मरतबा है जी। नौहे खान होना, साहिब ब्याज होना एक स्टेटस है, और ये स्टेटस, ये मरतबा उसे मिला है जनाब जहरा की तरफ से। मैं जाकिर हूँ, जाकिर अहले बैत, मुझे स्टेटस मिला है अहले बैत की तरफ से। मैं खतीब अहले बैत हूँ, मुझे स्टेटस मिला है अहले बैत की तरफ से। आज हमने यहाँ पर ये देखा कि नौहे खान आ रहे हैं, और ये मेरा शिकवा नॉर्थ अमेरिका के पढ़ने वाले बच्चों से नहीं है, इन्होंने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादारी को नहीं देखा है, ये तो यहाँ से हमसे और आपसे सीख रहे हैं। हमारे वो अफराद जो प्रोफेशनल पढ़ने वाले हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो नोएखानी करते हैं तो आईफोन लेके खड़े हो जाते हैं और आईफोन के जरिए नोएखानी कर रहे हैं। ये आप साहिब आईफोन ना बने, सोशल मीडिया का जमाना है। आईफोन को मैं मुखालिफ नहीं हूँ, आईफोन को, मोबाइल को वसीला बनाओ इस आज़ादारी को प्रोटेक्ट करने का जी, अपने कलाम को महफूज करने का, फिर इस आईफोन को वसीला बनाओ आज़ादारी को पब्लिश करने का, प्रोपेगेट करने का, नशर करने का, दुनिया के हर खत्ते में आज़ादारी भेजिए। लेकिन आप अगर नोहे खान हैं और शहजादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको मनसब दिया है और आप साहिब ब्याज हैं, तो आपके पास ब्याज होनी चाहिए। आप आईफोन से नोहा नहीं पढ़िए, मेरा बच्चों से भी मैसेज है, और हमारे जो दोस्त अहबाब नोहा खानी करने के लिए आ रहे हैं उनसे मेरी हम्बल दरख्वास्त गुजारिश है, उनके पास ब्याज होनी चाहिए, चूँकि आप इस कम्युनिटी के साहिब ब्याज हैं, और साहिब ब्याज एक मनसब है जैसे जाकिर अहले बैत, साहिब ब्याज एक स्टेटस है जैसे खतीब अहले बैत। तो बेसिकली आप नोहे की हिफाजत नहीं कीजिए, ब्याज की हिफाजत कीजिए। जिस दिन आप ब्याज बचा लेंगे आपका नोहा बच जाएगा। तो आप नोहे खानी करें, लेकिन बेसिकली आपने पूछा कि सकाफत क्या है, तहजीब क्या है, नोहे खानी आप कर रहे हैं या आज़ादारी है? ब्याज आपके हाथ में है, ये तहजीब आज़ादारी है। जैसे ही मैं आपको नहीं पहचानता, आप सेंटर में दाखिल हुए, आपके हाथ में ब्याज थी, मैं एहतराम के लिए उठ के खड़ा हो गया, क्या लगता है ये सेंटर के साहिब ब्याज हैं, क्योंकि ये मनसब दिया है आपको। अगर आप तहजीब आज़ादारी को नहीं बचाएंगे, एक दिन आपके मरसिया खान आएंगे, वो आईपैड सामने रखेंगे और उसे देख के मरसिया पढ़ लेंगे, तो आप साहिब बस्ता कहाँ रहे हैं? आप तो साहिब आईपैड हो गए, आप साहिब बस्ता हैं। ये शहजादी ने आपको मनसब दिया है, आपके पास बस्ता होना चाहिए। जो मरसिया आप पढ़ रहे हैं ये आज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास ये एक बस्ता है,
ये साहिब बस्ता, ये आपकी तहजीब है, आपकी सकाफत है, आपका कल्चर है, साहिब बस्ता होना बहुत बड़ा इफ्तिखार है। जब आप आते हैं तो पूरी कम्युनिटी आपकी ताजीम को उड़ जाती है कि हमारी कम्युनिटी के साहिब बस्ता आ गए। तो साहिब बस्ता बनिए, साहिब आईपैड नहीं बनिए, साहिब बयाज बनिए, साहिब आईफोन ना बनिए। तो बस यही, इसी को कहते हैं कि तहजीब, इसी को कहते हैं सकाफत, की आज़ादारी नहीं करनी है, आज़ादारी भी करनी है, आज़ादारी के साथ साथ आज़ादारी को उसकी तहजीब और उसकी सकाफत के साथ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना असगर मेहदी साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मौलाना असगर मेहदी साहब, जिन्होंने हमारे मुख्तलिफ मौजूदात के हवाले से हमसे गुफ्तगू की। आप देखते रहिए 5 इंडू चैनल।